In a circuit, three resistances 10 ohm, 6 ohm and 4 ohm are connected in series combination. The potential difference of the entire combination is 10 volt. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 volt है, यानी कि battery 10 volt की लगी हुई होगी. Figure में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे 10 volt लिखा है, आप ऐसे भी 10 volt लिख सकते हैं. Find current and potential difference in each resistance. पहले तो करंट हम लोग को निकालना होगा. जो भी करंट यहाँ बैटरी से निकलेगा सबको सेम करंट मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में, जब भी सीरीज में होते हैं तो करंट नहीं डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा. तो चलिए, करंट आई यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं. करंट आई को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए. ये सीरीज में है तो 10, 6, 16, 4, 20 20 ओम जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस है. तो अब आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो सब लिखना चाहिए आपको, भले आपको आता है, वो जल्दीबाजी वाली चीज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करिएगा जब आप थोड़ा बड़े हो जाएं, ट्वेल्थ पास हो जाएं, लेकिन टेंथ में तो बिल्कुल नहीं चलेगा. ओके, V जो है हमें दिया गया है 10 वोल्ट, I हमें कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट है 20, सो I विल बिकम 10/20, इट विल बिकम 0.5 एम्पीयर. करंट हमें निकालने के लिए कहा गया था, तो एक आंसर तो हम लोगों ने निकाल लिया. अब डायग्राम में मैं नाम दे देता हूं इस वोल्टेज डिफरेंस को V1. इस वोल्टेज डिफरेंस को V2 और इस वोल्टेज डिफरेंस को V3. ठीक है, तो यहां पे देखिए आई करंट चल रहा है, तो यहां पे भी आई करंट ही चलेगा, इसे भी आई मिलेगा, इसे भी आई ही मिलेगा. तो हम V1 इज इक्वल टू आई आर भी तो लगा सकते हैं. V1 इज इक्वल टू आई आर वन, आर वन इसका नाम आर वन मान लो. ठीक है, R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 6 ohm, R3 is equal to 4 ohm. ये हमारा assumption है, जो भी assumption हो लिखते रहिए. और V1 ही निकालना है. I क्या है, I हम लोग निकाल चुके हैं 0.5 और R1 है 10, तो V1 हो जाएगा 5.0 वोल्ट. पहला वोल्टेज आ गया, बहुत बढ़िया, अपना आंसर मैच भी हो रहा है. अब V2 निकालेंगे, I2, R2. अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ही आराम से सब कुछ कर लेंगे. तो अपने V2 और V3 भी आ गए, चारों आंसर अब हमारे सामने हैं, 1, 2, 3 और ये वाला 4.